नमस्कार, स्वागत है आपका दी इंडियननेस में और मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आज 2019 के नवंबर महीने का 25वां दिन है, यानी कि 25 नवंबर। आज से इस साल के खत्म होने में अब बहस 36 दिन और रह गए हैं। आज के दिन भी कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। हालांकि इससे पहले इस दिन को कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसके लिए दुनिया आज भी इस दिन को याद रखती है। इन्हीं घटनाओं में से कुछ से हम आपको अवगत कराएंगे। हर दिन किसी न किसी का जन्मदिन होता है, आज भी है, लेकिन शायद हम में से ज़्यादातर लोग उनके बारे में नहीं जानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज भी हमारे देश में क्रिकेट को सिर्फ मर्दों वाला खेल ही समझा जाता है। हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है झूलन गोस्वामी। भारत की इस प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर का जन्म आज ही के दिन साल 1982 में हुआ था। वो भारतीय टीम की सबसे तेज महिला गेंदबाज तो थी, साथ ही दुनिया में भी उनकी जैसी महिला बॉलर कोई नहीं है जो उनकी रफ्तार के आसपास भी भटकती हो। विकेट लेने के मामले में भी झूलन गोस्वामी दुनिया में नंबर वन है। वो पहली महिला गेंदबाज है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 300 विकेट लिए हैं। ICC वुमेन ऑफ द ईयर 2007 रह चुकी झूलन सिर्फ बॉलिंग में ही नहीं बल्कि बल्ले से भी रन बरसाने के लिए काफ़ी जानी जाती हैं। लंबे कद की झूलन क्रिकेट में आने की अपनी कहानी के बारे में बताती हैं कि वो 10 साल की थी जब उन्होंने पहली बार TV पर मैच देखा था। तभी से क्रिकेटर बनने की चाहत मन में हो गई थी। अपने पिता को इसी तरह मनवा कर उन्होंने कोलकाता की क्रिकेट अकेडमी को ज्वाइन किया। झूलन जब क्रिकेट में अच्छा कर रही थी उस समय उनके परिवार वालों को उनकी चिंता थी। एक बार एक अलग ही घटना उनके साथ हुई। वो देर रात घर पहुंची। जाहिर सी बात है घर वाले नाराज तो होंगे ही और इसी नाराजगी के कारण उनकी माँ ने घर का दरवाजा तक नहीं खोला। ऐसे में झूलन को घंटों बाहर बैठकर बिताना पड़ा। अगली बार बिना बताए ऐसा न करने की शर्त पर दोनों ही माँ बेटी में सुलह हो सकी। वहीं दूसरी तरफ झूलन फिलहाल भारतीय टीम की मुख्य मेंबरों में से एक है। हालांकि वो T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुकी हैं लेकिन टेस्ट और वनडे में उनकी रफ्तार का कहर अभी भी जारी है। झूलन गोस्वामी के जन्मदिन के अलावा आज के दिन कई और ऐतिहासिक घटनाएं घटी। जैसे कि आज ही के दिन साल 1963 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का अंतिम संस्कार किया गया था। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए लगभग 8 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। उन्हें 22 नवंबर के दिन टेक्सास में एक रैली के दौरान गोली मारी गई थी। वहीं आज ही के दिन 1973 में ग्रीस में हफ्तों से फैली अशांति के बीच वहां की सेना ने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज पापाडोपोलोस का तख्ता पलट कर दिया था। दरअसल यहां राज कर रहे यूनानी सैन्य जनता के खिलाफ नवंबर 1973 में एथेंस पॉलिटेक्निक विद्रोह हुआ। इसमें कई छात्रों ने मिलकर विशाल प्रदर्शन किया लेकिन इसे दबा दिया गया था। वहीं साल 1889 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद और भारतीय संस्कृत के प्रचारक TL वासवानी का जन्म हुआ था। उन्होंने एजुकेशन के लिए मीरा मूवमेंट चलाया था और संबंत मीरा स्कूल हैदराबाद, सिंध और फिर पुणे में स्थापित किया। उनकी जिंदगी को समर्पित एक म्यूजियम 2011 में खोला गया था। साल 1975 में आज ही के दिन सूरीनाम आजाद हुआ था। सूरीनाम पर डच का राज था। 1683 से 1795 के बीच डच चार्टर्ड कंपनी सोसाइटी ऑफ सूरीनाम के हाथों इस देश का शासन रहा। 1954 में ये नीदरलैंड का एक कॉन्स्टिट्यूएंट देश बन गया और 1975 आते आते ये स्वतंत्र हो गया था। साल 2014 में आज ही के दिन भारत के एक महान कलाकार का देहांत हुआ था। इस कलाकार का नाम है सितारा देवी। वो कथक की मशहूर नृत्यांगना थी। इसके साथ ही वो मशहूर गायक और एक्ट्रेस थी। वो कई पुरस्कारों से नवाजी गई थी। उन्होंने भारत और विदेश में कई प्रतिष्ठित स्थानों जैसे कि रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन 1967 में और कार्नेगी हॉल न्यूयॉर्क 1976 में अपनी परफॉर्मेंस दी थी। देवी को कई पुरस्कार मिले जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969, पद्मश्री 1973, कालिदास सम्मान 1995 और नृत्य निपुण शामिल है। लेकिन अब उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है लेकिन उन्होंने ये सम्मान ये कहकर नहीं लिया कि ये अपमान है। सम्मान प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो उन्होंने कहा था, क्या यह सरकार कथक में मेरे योगदान के बारे में नहीं जानती? मैं भारत रत्न से कम किसी भी पुरस्कार को स्वीकार नहीं करूंगी। तो दोस्तों, आज के इतिहास में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी हमारे इतिहास से जुड़ा कोई भी रोचक तथ्य या जानकारी है तो उसे आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बने रहें इसी तरह दी इंडियननेस के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल दी इंडियननेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।